व्यापम घोटाले के तार इंदौर में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। व्यापम मामले में जांच कर रही सीबीआई ने देश भर में अपनी छापामार कार्रवाई के बाद अब इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स को तलब किया है। व्यापम मामले में सीबीआई ने किया तलब, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को किया तलब, 3 डॉक्टरों को किया सीबीआई ने तलब। दोषी छात्रों की कमेटी में थे तीनों डॉक्टर। सीबीआई ने देश भर में छापेमार कार्रवाई करने के बाद अब इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों को तलब करने के लिए पत्र के माध्यम से कॉलेज प्रबंधन को सूचित किया है। इस पूरे मामले की जानकारी कॉलेज प्रबंधन ने भी तीनों डॉक्टर्स को दे दी है। के द्वारा जो चिन्हित डॉक्टर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के थे, जिनके ऊपर एसटीएफ ने उनको व्यापम पर्चीवाड़े में सम्मिलित होने की लिए चिन्हित किया था, उनको महाविद्यालय इंदौर स्तर पर हटाने के संबंध में मेडिकल कॉलेज में एक समिति बनी थी। उस समिति ने क्या कार्रवाई और क्या प्रक्रिया अपनाई, यह अवगत करने के लिए सीबीआई ने एक पत्र लिखा है। चूंकि सारी जांचें एसटीएफ से सीबीआई को हस्तांतरित हो गई है, सीबीआई सिर्फ वो प्रक्रिया जानना चाहती है कि एसटीएफ ने जब छात्रों को चिन्हित करके पर्चीवाड़े में शामिल होने के लिए की सूची भेजी, तो महाविद्यालय स्तर पर उनको हटाने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। दरअसल व्यापम घोटाले की जांच में जुटी एसटीएफ ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों को फर्जी तरह से एडमिशन लेने का दोषी पाया था। दोषी पाए गए छात्रों पर कॉलेज स्तर पर कार्रवाई करने के लिए 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर अजय भट्ट, डॉक्टर एसपी बंसल और डॉक्टर एके पंचोलिया की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने दोषी छात्रों पर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट एसटीएफ को दी थी। अब इन तीनों डॉक्टर से इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए सीबीआई ने इन्हें तलब किया है। उस कार्रवाई के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसमें 3 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एसपी बंसल, डॉक्टर अजय भट्ट और डॉक्टर अशोक पंचोलिया की समिति थी। उस समिति के सदस्यों को सीबीआई द्वारा बुलाया गया है। वो सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होकर यह अवगत कराएंगे कि जब एसटीएफ से सूची प्राप्त हुई महाविद्यालय को, तो इनको चिन्हित छात्रों को हटाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर क्या कार्रवाई करी, ये थी। लेकिन तीनों डॉक्टरों को कब और कहां सीबीआई टीम के सामने प्रस्तुत होना है, इसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन के पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।